महाराष्ट्र को लेकर स्थिति क्या है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कभी होता है 200 सीटों पे बात बन गई है, 220 सीटों पे बात बन गई है। संजय राउत ने अभी बयान दिया, इस तरह का बयान दे रहे कि लगता है कि अंदर से नाराजगी है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उनसे क्या बात करें, शाम तक मामला सुलझ जाएगा, इस तरह के बयान आ रहे। आखिर स्थिति क्या है? आपने उनके बयान के ही संदर्भ में दोनों चीज़ बोल दी कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हालांकि हम लोग तो बराबरी के हिस्सेदार अपने आप को MBA में मानते हैं, और उन्होंने कहा शाम तक सुलझ भी जाएगा। तो उन्हीं के बात में एक प्रश्न भी है, एक उत्तर भी है, तो हो जाता है। हर पार्टी के ऊपर कार्यकर्ताओं का दबाव रहता है कि मेरे को टिकट दीजिए, मेरे को लीजिए। शेयरिंग हो रही है, सीट शेयरिंग हो रही है, सर्वविदित है कि 288 सीटें किसी एक पार्टी को नहीं जाएंगी, तो कौन सी किसको जाए। तो सभी तीनों पार्टियों का और भी साथी हैं, उनका प्रेशर कार्यकर्ताओं का रहता है कि हमारी सीट नहीं जानी चाहिए, हमारी सीट लीजिए, हमारी सीट लीजिए, हमारी सीट लीजिए। तो इसी में सभी पार्टियों को वो पर दिक्कत होती है कि कौन सी सीट हमारे लिए बेस्ट है, हम उसके लिए पहल करें। और उसमें चर्चा में, जैसा आपने कहा, मैंने भी सुना था, मेरे को कोई जानकारी तो नहीं है अधिकृत, बॉम्बे में जब गए थे ऑब्जर्वर्स की बैठक के लिए 19 तारीख को, तो चर्चा हो रही थी कि 200 से ज़्यादा सीटों पर सहमति हो गई है, बाकी की 61 सीटें हैं इसमें चर्चा चल रही है। तो पोजिशनिंग है, हर दल अपने कार्यकर्ता के लिए कमिटेड होता है और वो चाहेगा कि वो 60 की 60 हमको मिल जाए। हमको कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी, 20 मिलेगी, 25 मिलेगी, कौन सी मिलेगी, तो इतना आसान नहीं होता कि एकाएक निर्णय ले लिया जाए। यानी गठबंधन बरकरार रहेगा, गठबंधन पर कोई आँच नहीं आएगी उसमें। तो मैंने तो देखा मैनिफेस्टो वगैरह भी जो बन रहा था, पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि गठबंधन एक कॉमन मैनिफेस्टो बना रहा है। तो अगर ऐसी पेज फंसी होती तो मैनिफेस्टो तो बहुत दूर की बात थी, कभी बन ही नहीं सकता कॉमन। तो आप कॉमन मैनिफेस्टो निकालने की अगर सोच रहे हैं तो सोचिए कि गठजोड़ कितना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें कुछ नेताओं को टिकट मिला है और किसी की टिकट काटी भी गई है। इस लिस्ट में देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, राधाकृष्ण विखे पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष जैसे प्रमुख नामों की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट में 99 नामों में से 89 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है, जबकि बीजेपी की पहली सूची में एक भी अल्पसंख्यक चेहरा नहीं है। हालांकि ज्यादातर उम्मीदवार OBC, मराठा और कुछ आदिवासी समुदाय से हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित भाई, हमारे देवेंद्र जी, सबने मिलकर जो एक 99 लोगों का लिस्ट दिया है, ये मेरिट पे दिया है। हमारे वहाँ पर जो सारे कंसेंसस थे, सारे जनता का मत क्या है, कार्यकर्ताओं का मत क्या है, वहाँ पर उम्मीदवार के बारे में जो 5 साल उन्होंने काम किया है, ये सारा कैलकुलेशन करके सीट मिली है। सारे उम्मीदवार अच्छे से जीतेंगे, अच्छे लिस्ट हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बीजेपी में टिकट पाने वाले प्रत्याशियों के समर्थक